नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे इसमें बैंक निफ्टी के कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और देखेंगे कि बैंक निफ्टी आज किस प्रकार से काम किया है, और निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे कि उसमें क्या सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। आपको चार्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज मार्केट ने जहाँ पर कल बैंक निफ्टी ने क्लोज किया था, आज उस जो और जो स्विंग बनाए थे उसके हाई पे बैंक निफ्टी ने आज ओपनिंग की है। और बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट रहा है वो 3 बार टच किया है, जो कि कल की जो क्लोजिंग थी उसको टच करके बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। और बाद में इसने जो रेजिस्टेंस बनाया है 46,015 का है, और वापस रिटेस्ट किया है रेजिस्टेंस को, 4 बार रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया है और सपोर्ट को 3 बार रिटेस्ट किया है। तो कल के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 46,015 है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 45,842। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कल के लिए। और जो आज ओपनिंग का हाई था वो भी कल के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो। देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अगर मार्केट इधर पे खुलता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर खुलता है, तो आप लॉन्ग पोजीशन, अगर प्राई एक्शन बनता है तो आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं इसमें। बाकी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा जो आज ओपनिंग का हाई था। और कल मार्केट अगर इसके बीच में खुलता है तो कल के लिए आपको ये सपोर्ट का काम करेगा और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके नीचे मार्केट खुलता है तो हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाए, और इसके अंदर खुलता है तो आपको ये रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखेगा और ये सपोर्ट का काम करते हुए दिखेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं हम निफ्टी के चार्ट की, तो देखते हैं कि निफ्टी में कल क्या होगा। निफ्टी भी आज जहाँ पर मार्केट ने कल क्लोज किया था उसके कुछ पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है, और बैंक निफ्टी 50 ने एक हाई बनाया है जो कि है 20,163 का। सबसे बैंक निफ्टी 50 का हाई है, कल के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी 50 डाउन ट्रेंड बनाया है और नीचे आके सपोर्ट लिया है जहाँ पे कल मार्केट की क्लोजिंग हुई थी, उस पे आगे निफ्टी 50 ने सपोर्ट लिया है। एक बार सपोर्ट लिया है, फिर उसके बाद इसने हाई स्विंग बनाया है जो कि कल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। फिर एक बार वापस से इसने रिटेस्ट किया है सपोर्ट को, फिर हाई स्विंग बनाया है, फिर रिटेस्ट किया है, और इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता रहा है। तो यह लेवल कल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये लेवल भी आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। और कल सपोर्ट के लिए ये एक दूसरा लेवल है, ये भी सपोर्ट पे काम कर सकता है। तो देखते हैं कल निफ्टी 50 में क्या होता है। आपको ट्रेड करना है तो इस निफ्टी 50 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो 20,163 का है, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 20,101 का है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो 20,053 का है और 20,017 का है। तो देखते हैं कल निफ्टी में क्या होता है। बाकी कल 15 सितंबर है तो अडानी ग्रुप की हिंडनबर्ग वाली सुनवाई है, तो देखते हैं मार्केट में कैसा न्यूज आता है और क्या इफेक्ट करता है मार्केट को। मार्केट उस न्यूज के आने के बाद ऊपर की तरफ भागता है या नीचे की तरफ जाता है, तो कल ये सब हमें कल ही पता चलेगा क्या होता है। बाकी अगर कोई और अपडेट मुझे मिलती है तो मैं इस चैनल पे अपडेट डाल दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ये लेवल
90% काम करेंगे। जानिए और कल देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। आप इन लेवल्स को ध्यान में रखिए, क्योंकि एक मैंने कल भी शेयर किए थे लेवल्स, वो आज काम किए हैं, और परसों से लेवल शेयर किए थे वो कल किए थे। तो आप इन सब लेवल्स को ध्यान में रखिए और इन से ही कल ट्रेड लीजिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।